चले बेटा, हमने बेटा पिछली क्लास में हेनरीज लॉ की बातें की थी और मैंने कुछ होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दिए, प्लीज उनको अच्छे से देखना, ठीक है, ताकि उसे हेनरीज लॉ समझ पड़ते हैं। अब बेटा एक और टॉपिक है, देखो अब हमारा जो ये पूरा यूनिट है ना सॉल्यूशंस का, इट इज मोस्टली कंसर्न्ड विद द लिक्विड सॉल्यूशंस। अच्छा ठीक, अब गैसेस की बात हमने की, गैस इन लिक्विड की बात की, मगर ज्यादातर इसमें पढ़ो ना, दैट विल बी मोस्टली रिलेटेड टू सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड। अभी तक हमने लिक्विड इन लिक्विड की बात नहीं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसे सॉलिड कहा जाता है, बेकर वाइज वोलेटाइल सॉल्यूट जो कि लिक्विड होता है, गैस यूज टू सुकोरस, हेनरीज लॉ पढ़ा ठीक है ना। अब देखिए बेटा, उस चीज को पढ़ने से पहले हमारे पास एक अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड एज बेटा द वेपर प्रेशर। क्या छू बेटा, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि वेपर प्रेशर का तो बना जिगर टर्मिनोलॉजी से बना, इवेपोरेशन सू प्रेशर जो किसकी वजह से होगा, वेपर्स की वजह से है कि नहीं। तो मैं आपको इस चीज को समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं। मसलन बेटा, मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें कोई फॉर एग्जांपल बेटा लिक्विड है, जस्ट ही वन, क्या चूज करा मैं इस लिक्विड कंटेनर को किसी चेंबर की वजह से बेटा एनक्लोज कर रहा, क्या कर रहा हूं, इसको एनक्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तात्पर्य वो इनफिक्ट की वजह क्या छु, जस्ट ही वन वाज द असल पॉइंट। फॉर एग्जांपल बेटा, मैंने इस लिक्विड का टेंपरेचर जो है बेटा बढ़ा दिया, क्या करो टेम्परेचर को मैं इंक्रीज, मसलन मैंने इसको नीचे से बर्नर लगा दिया, अच्छा ठीक बर्नर लगो मस, जिसकी वजह से हीट अप हो गया, तो बर्नर करूं अलग, मन जो टेम्परेचर क्या ठीक। अब इसकी वजह से होगा क्या, अच्छे समझना बेटा, जब ये प्योरली लिक्विड था ना, सिर्फ अज्यूम कर रहा हूं मैं बेटा, इस लिक्विड का कोई भी वेपर नहीं बना था, जबकि वो सच नहीं है ये बात, देयर आर ऑलवेज सम वेपर्स एट एनी टेम्परेचर, ठीक, लेकिन मुझे बोला इतना सा उसमें वेपर वेपर, ये वाज प्योरली क्या लिक्विड, ठीक ठीक। तो बेटा होगा क्या, जब मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, व्हाई मोर वाज इट बट, अब जो स्पेस, जो फ्री स्पेस हमारे पास है, इस फ्री स्पेस में बेटा अब इस लिक्विड के बेटा वेपर्स आने वाले होंगे, चला गैस क्या बनाना हो डायग्राम, बुझ बुझान जो लिक्विड था ना बेटा, अब इस लिक्विड की जो ये फ्री स्पेस ऊपर थी, इसमें बेटा अब वेपर्स आ गए, इना किन्ना इतना एनक्लोज्ड एचर्स किन्ना, मन समझ दो तू, आपका टेम्परेचर रखा है ना इस लिक्विड का आप टी, इस ना काम होगा ना, तो होगा क्या समझना, लिक्विड चाहेगा कि बस वेपर बनाओ, अच्छा ठीक, यानी कि इवेपोरेशन हो रही है, इवेपोरेशन हो रही है कि नहीं। लेकिन बेटा सीधी सी बात है, हमने अभी तक चीजें सीखी है दैट सर इवेपोरेशन इज अ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि लिक्विड के मॉलिक्यूल चाहेंगे वेपर स्टेट में जाना, यहां से जाएंगे और जाएंगे, यहां से जाएंगे और जाएंगे, तो उसके बाद देखेंगे बेटा होगा क्या, यू मीन वेपर्स, समझ लो वेरी इंपॉर्टेंट छू, जो ये वेपर्स है ये तो हेयरमैन लेयर में खसन ना, कुछ टाइम के बाद ही एक कोशिश करेंगे कि हम बेटा वापस कंडेंसेशन दिखाए, यानी कि बात वही है, लिक्विड चाहता है मैं वेपर्स बनाऊं, लेकिन जो ही वेपर्स बन रहे हैं, गॉड क्या गैस शाबाश, उस तरीके से टेम्परेचर दे रहे थे ना, वेपर बन रहे थे है ना, तो एक वक्त आएगा कि अब ज्यादा वेपर्स, या मैं ये कह सकता हूं कि वेपर्स का कंसेंट्रेशन बेटा फिक्स हो जाए, पाछी क्या है, क्योंकि सर आठ मॉलिक्यूल गो बस और कुछ तेमी विजिल बस ही आठ मॉलिक्यूल वापस लिक्विड स्टेटस में, यानी कि बेटा उस स्टेज को तो इक्विलिब्रियम कहता है, कहता है कि नहीं, लेकिन तूने अब सीखा है इक्विलिब्रियम बेटा एक डायनेमिक प्रोसेस है, कहने का मतलब सर रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सर सेम हो जाएंगे, यानी कि जितने वेपर्स बन रहे उतने वापस कंडेंस हो रहे, क्लियर छ, तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर इंपॉर्टेंट है, किस स्टेट पर, अब आप देखेंगे इक्विलिब्रियम लाने के लिए चेंबर इंपॉर्टेंट था ना, अगर ना कोई अनहा क्योंकि हेरियम वेपर तुम हेकन चलित समझे तरह, क्लियर छा, सो इस चीज को याद रखता हूं, जब भी हमें थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम चाहिए होता है, अपने लेवल में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा, ऑलवेज द सिस्टम हैज टू बी आइसोलेटेड, ठीक सर, इसको पॉज कर, क्यों से बोला, एक पेपर गया वापस आ गया है ना, तो अब समझना है बेटा इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए हमें यह समझ आ रहा है कि चेंबर वाज नेसेसरी, क्लियर था, अब इक्विलिब्रियम में होता क्या है समझना, जो इक्विलिब्रियम की स्टेट है बेटा उसमें जो आपके वेपर्स है, जो आपके ऑब्वियस सी बात है
वो वेपर्स अपनी ही लिक्विड सरफेस पे कुछ प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। या इमर्स एंड्रोन से करा प्रेशर एग्जर्ट, मगर इक्विलिब्रियम कंडीशन ना उसी में मुझे बना इक्विलिब्रियम बीज, ये बीज है इवेपोरेशन से कंडेंसेशन क्या होगा सर? जब इनका रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल्स द रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो कहने का मतलब जो वेपर्स ऊपर है ना उनका कंसेंट्रेशन फिक्स हो गया, तो वो फिक्स करने के लिए चेंबर इंपॉर्टेंट है। इसीलिए थर्मोडायनेमिक्स कहता है जब भी आपको इक्विलिब्रियम लाना है आइसोलेटेड सिस्टम क्लोज सिस्टम चाहिए ना, तो यहां पर भी वही, यहां पर हमने एनक्लोज सिस्टम लाया, हमने देखा वेपर्स बन गए, वेपर्स अब इक्विलिब्रियम स्टेट पे कुछ प्रेशर एग्जर्ट, इससे पहले भी कर रहे थे, ये भी जी वेपर से तिमोटिकोर प्रेशर एग्जर्ट, मगर सोचना इक्विलिब्रियम स्टेट, ये भी चोर से तिमोटिकोर, मगर सोचना इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट जब आता है बेटा, याद रखोगे उस स्टेट पर प्रेशर कोई एग्जर्ट करते हैं वेपर्स जो है बेटा, वेपर्स जो है ये एग्जर्ट करते हैं प्रेशर, कैच करा, किस पर? अपनी ही लिक्विड सरफेस पे, अपनी ही लिक्विड सरफेस पे। लेकिन ये कौन सा प्रेशर कब कैलकुलेट करना है? जब कौन सा स्टेट होगा? सो जब इक्विलिब्रियम आएगा इवेपोरेशन कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगी, सर वेपर्स अपनी ही लिक्विड सरफेस पे कोई प्रेशर एग्जर्ट करने वाले हैं, उस प्रेशर को बेटा वेपर प्रेशर कहते हैं। क्या चीज जबान सोता याद, वेपर प्रेशर क्या हो तरह डेफिनेशन, वेपर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम प्रेशर एग्जर्टेड at equilibrium the pressure exerted by the vapors above the liquid surface at equilibrium the pressure exerted by the vapors above the on the liquid surface जो लिक्विड सरफेस, जो लिक्विड वेपर्स प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं किस पर? आपको सब आप कॉमास और वो वगैरह इस्तेमाल करते नहीं हो शायद, मगर बेइज जो वेपर अबाउट द लिक्विड प्रेजेंट होता है एट इक्विलिब्रियम प्रेशर कॉमा एट इक्विलिब्रियम कंडीशन कॉमा द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द लिक्विड वेपर्स है ना अबाउट द लिक्विड सरफेस ऑन द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम। अच्छा लिखा था, अच्छा बस हो गया, इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर, इज कॉल्ड एज वेपर। अच्छा मगर इंपॉर्टेंट कात छ गोबरा, अगर बे टेम्परेचर बढ़ाओ तेल क्या गछ? इक्विलिब्रियम कछि डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम बेटा डिस्टर्ब होने का मतलब ये है कि अब ज्यादा वेपर्स बनने वाले होंगे, वो नया इक्विलिब्रियम अटेन करेंगे। सो जब इक्विलिब्रियम की बात होती है तब क्या फिक्स करना है? इसीलिए पहले मैंने टेम्परेचर दिया, फिर उसको हटाया, तो मैं बने टेम्परेचर इस पर समझ हुए दौरान सो इस पर कंडीशन लगाना। क्या आप जरा डेफिनेशन बताओ आपने क्या लिखी? फुल स्टॉप। This pressure is fixed for a given temperature. अच्छा ठीक ठीक छा। अगर मैं तुम्हें कर गुमर सवाल, ये कहाँ पर करा डिपेंड? Nature of liquid. Example. Viscous मान ना, अगर less volatile होगा। अगर कोई लिक्विड है, दो लिक्विड्स है जैसे, फॉर तो फैक्टर्स इफेक्टिंग द वेपर प्रेशर, नंबर फर्स्ट फैक्टर बेटा इट इज द नेचर ऑफ द लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड लिक्विड क्यों छ मसलन बता रहे समझ तो अशवा परमिट इथर्स पढ़े हैं 10th में, इथर की दासा आर आर कसर पद खार अगर सब पता चाहिए मसलन बुनिम स्लगड एग्जांपल व्हाट इज दिस What is this? Methyl. ये क्या शुगर? कर्स मिथाइल, डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल और हाँ, ये क्या शुगर? ओ ये है क्या? मिथॉक्स, ओ शुनसुर,
मेथॉक्सिन सुना, ये मेथॉक्सिन किस पे जुड़ा है, असली क्या था ये, मीथेन पेरेंट था ना मीथेन, और सी एच फोर था उसका एच हटाया, उस एच के बदल आया मेथॉक्सिन, क्या बोलियो मेथॉक्सिन मेथॉक्सिन मीथेन नहीं बना शॉर्ट में डाई मिथाइल इथर और मेथॉक्सिन मीथेन, ठीक है ना, ये इथर ठीक है। अगर इसको देखा जाए, इसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया जाए, और ये क्या है, और वह क्या हो, अल्कोहल शराब चुना, एग्जाम्पल C2H5OH, अच्छा ठीक, मैंने इन दोनों को सेम टेम्परेचर पर रखा, मैं अगर वेपर प्रेशर चेक, फैमिली शराब ऐसा वो क्या अल्कोहल चुना, जब मैंने बेटा इनका वेपर प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर चेक किया, मुझे पूछा प्रेशर से ज्यादा याद काम होने क्या, क्योंकि ये ज्यादा बोल ईथर सर वोलेटाइल, वन क्या इसी ज्यादा वोलेटाइल मस्त पूछ, तो पर में ओत रहे हाइड्रोजन बॉन्ड क्लोज प्रॉक्सिमिटी बॉन्ड मतलबी बॉन्ड, ये क्या शुरू करा एक वो अल्कोहल सुना ROH, इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन है ना, ये ज्यादा है पता था हाइड्रोजन बॉन्ड्स समझे तरह या क्लियर, अच्छा पढ़ा था ना, जब ऑक्सीजन होगा और एफ और नाइट्रोजन होगा इन क्लोज प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन तेलशीम पान में ये करा, ये है काम दे, ये है काम दे, बोलो ना हाइड्रोजन बॉन्ड या मुझे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होने की वजह से अल्कोहल जो है बेटा ये लेस वोलेटाइल स्टॉप था भाई, खुद ही चलो वेपर बनने का मतलब क्या है, इंटरेक्शंस कम होना, लेकिन इंटरेक्शन यहां पर क्या क्यों, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड है ना ब्रदर मेरे साहब, इसलिए आप देखते हो एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा है ना, क्योंकि ये मत वेपर जब बनता ही है, अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो अलग बात है, लेकिन आपको कंसेप्ट कह रहा है शायद कि बॉइलिंग पॉइंट है ऐसी मुश्किल सर अटेन कर, क्या इसकी यथाशी हाइड्रोजन बॉन्ड तुम देने में चाल ना ये चुना इतना नहीं है समझे तरह, हाँ आप बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जब तू इसको हटाएगा चेम्बर आने में तो वेपर प्रेशर होगा कुछ, अगर तूने बेटा वो वेपर प्रेशर बराबर कर दिया एटमोस्फेरिक प्रेशर को, तेरा जो लिक्विड है आज के सांपल गुड 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 चुना इंसान अता एक ग्रह नमी अता एक ग्रह ग्रह पेश हो ग्रैक्शन जहन दिस सिस्टम में सेवन अता आइसोलेट करें क्या हमेशा करूँ काट से कंपेयर एटमोस्फेरिक एमिस वो कुन कुन विज बना इट इज पॉसिबल टू बॉयल वाटर एट जीरो डिग्री सेल्सियस एटमोस्फेरिक प्रेशर कम करना कम से प्रेशर टेम्परेचर कम भी समझ चुका I can boil water at -4. तो एक भी महीने दिखा। Atmospheric pressure काम करता है। इतना काम करते हैं कि -4 पे ही प्रेशर वेपर प्रेशर जो बनने वाला है, वो वेपर प्रेशर किसका होगा? केल वो खाता। सर जो आपका एक क्वेश्चन है, आप कैसे करेंगे atmospheric pressure काम? वही isolate करके। Vacuum नहीं करते हो? इस कमरे को vacuum करेंगे। क्या लगाएंगे? इस कमरे को vacuum करेंगे। Vacuum मतलब जो इसमें एयर है उसकी लेवल क्या करेंगे कम, सो कहते हैं कम है प्रेशर है सर, क्यों खत्म हो गया ना प्रेशर का, ऐ समझे तो ना, सो याद रखोगे बेटा नेचर ऑफ सॉल्यूट लिक्विड रादर इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि जब आपको वेव प्रेशर चेक करने हो, अगर आपका इजीली वोलेटाइल है ज्यादा वेव प्रेशर होगा, लेस वोलेटाइल छू वेव प्रेशर ऐसा कम, अच्छा ठीक फॉर गिवन टेम्परेचर, ठीक है अगला बेटा टेम्परेचर एक और फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तो क्या बात समझ टेम्परेचर से क्या सुधार सकता है संतला भैया, आपको लग रहा है सर वेपर प्रेशर बढ़ेगा है ना टेम्परेचर बढ़ाने से, क्यों दरअसल हो क्या क्या है जरा बताओ, जब तुमने टेम्परेचर दिया दरअसल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स को चाहत है वेपर स्टेट में जाने की, है कि नहीं, यानी कि इसी इक्विलिब्रियम वाले को अगर तुमने ज्यादा टेम्परेचर दिया आप नया इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का डिस्टर्ब होने की वजह से आप ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स ऊपर जाने की कोशिश करेंगे है ना, जब तक उनका नया इक्विलिब्रियम आएगा और वो जो आप प्रेशर एग्जर्ट करेंगे वो उनका वेपर प्रेशर होगा, तो कहने का मतलब ये है यार कि अगर तेरा टेम्परेचर T1 है और तेरा प्रेशर क्या है
तेरा टेम्परेचर ऑफ टी टू है, प्रेशर क्या है? इफ दिस इज द केस देन दिस विल ऑल्सो बी द केस. चुना या मतलब अगर तेरा इंसिडेंट टेम्परेचर ज्यादा है प्रेशर भी ज्यादा होगा. अगर तूने ये किया टी टू ही ज्यादा किया टी वन से तेरे प्रेशर विल बी मोर देन पी वन. एक हिसाब से डायरेक्ट रिलेशनशिप लग रहा है लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो हमने देखी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है. रिश्ता कैसा है वो देख लो. रिश्ता ये है बेटा log of P2 by P1, log of P2 is equal to delta H vaporization divided by 2.303 R into T2 minus divided by T1 T2. Which equation is this? Clausius Clapeyron equation. पढ़ा परसों? Same. Quantitative analysis. समझ चुका था? मुझे सर उधर क्या था यूनिवर्स? उधर डेल्टा H सॉल्यूशन C2 by C1. वो डेल्टा H सॉल्यूशन नेगेटिव था. वो था परसों तो टेम्परेचर बढ़ा रहा था. बोला कंसंट्रेशन कम होगी. बोला ना प्रेशर को वेपर प्रेशर को होता क्या है टेम्परेचर के होने से. अच्छा समझ प्योर सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट ठीक है. ओके लेकिन बेटा मैंने आपको अभी कहा जो हमारा सिलेबस कंसर्न कर रहा है दैट इज रिगार्डिंग सॉल्यूशंस. अच्छा टाइप वन सॉल्यूशन आप है सॉलिड इन लिक्विड बे क्या लिक्विड इन लिक्विड इन लिक्विड लिक्विड इन मतलब हमें दो टाइप्स ऑफ सॉल्यूट अब ऐड करने हैं. आकाश करूं सॉलिड सॉल्यूट या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या इसका अकवोलेटाइल सॉल्यूट जो कि लिक्विड खुद है. ठीक है मतलब आपने दो पानियों को मिला दिया दो लिक्विड्स को मिला दिया दोनों वोलेटाइल है ना. आपने नमक को डाला पानी में एक है ना नॉन वोलेटाइल नून जो छोड़ा आप भी वो छोड़े ना तो वो समझ रहे हैं आपको कि हमारे सॉल्यूशंस जब बनते हैं उनमें वेपर प्रेशर को क्या होता है. अच्छा ठीक बिना एग्जाम्पल्स दर भाई पार्टी में आपकी इंपॉर्टेंट लॉ दैट इज कॉल्ड एज द राउट्स लॉ एंड उसके बाद इंशाल्लाह हम मतलब दरमियानी सिलेबस पे आ जाते हैं. ठीक है पर बेटा अभी खड़ी दे दो बेटा. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देखो बेटा सॉल्यूशंस हमारे पास दो टाइप्स की है. ऑक्सिस्टो सॉल्यूशन जिसमें हमारा सॉल्यूट जो होगा बेटा वो नॉन वोलेटाइल होगा. क्या होगा? नॉन वोलेटाइल. यानी कि आपने एक सॉलिड सॉल्यूट की बात की. किसकी बात की? और बेटा एक ऐसा सॉल्यूशन भी होगा हमारे पास शाबाश जो वोलेटाइल सॉल्यूट से बनेगा वोलेटाइल. ठीक छा यानी कि आपने लिक्विड सॉल्यूट की बात की. ठीक छा अच्छे से समझना आसान है समझना. मसलन बेटा मैं NaCl की बात कर रहा हूं. किसकी बात कर रहा हूं? मैंने इसको बेटा पानी में डाला. किसमें डाला? पानी में. तो मैं वही गैस क्या देखो बेटा जब पानी था प्योर पानी था अब उस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर का वो सा उस टेम्परेचर पर ये कोई वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था है कि नहीं. लेकिन मैं आपसे सवाल कर रहा हूं नमक के डालने से इस वेपर प्रेशर को क्या होगा? शाबाश क्या आसान क्या फील है? कम होगा. क्यों होगा कम? शाबाश अच्छा समझते हैं और बात नए से समझते हैं. नमक के डालने से हाइड्रेशन होती है. हाइड्रेशन का मतलब सर ये इसको पकड़ के रखते हैं. वोलेटाइलिटी का मतलब सर भागना था. अब पानी भाग सकता है कि नहीं? नहीं. पहली चीज. दूसरी चीज बेटा जितने मॉलिक्यूल्स पहले अवेलेबल थे भागने के लिए
सरफेस पर, भागते कौन है, बल्ब से थोड़ी ना आया कोई, भागने वाले कौन से, जो यहां पर है ना। लेकिन जब तूने मेरी जान नमक ऐड किया, वो भागने वाले सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए कि बढ़ गए? क्यों? क्योंकि नमक ने भी जगह ली। ऐसा मत छोड़ा ये नून नया जायरट यम अवेलेबल मॉलिक्यूल्स गड चलने खतरे तैयार है तिम छन मन अवेलेबल ये मत कम ही वेपर लेयर ना थी मतलब वो ना वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का वो कम है वेपर प्रेशर ऑफ जो ओरिजिनल सॉल्वेंट था। क्यों? क्योंकि कंट्रीब्यूशन सिर्फ इसमें जो वेपर प्रेशर की है वो सॉल्वेंट की है। सॉल्यूट इज नॉट हेल्पिंग इन वेपर प्रेशर, सॉल्यूट जो नॉन वोलेटाइल ही मतलब हेल्प। तो हमें ये समझ आ रहा है यार कि जो हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की सॉल्यूशन की बात करते हैं उसमें हमारा नॉन वोलेटाइल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, कंट्रीब्यूशन जो करने वाला है वो प्योर सॉल्वेंट करने वाला है। लेकिन चूंकि उस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो भागना चाहते थे, एस्केप करना चाहते थे, वो कम हो गया, देयरफॉर इसकेश्वाना शाबाश कि भाया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से। इस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को बेटा हम पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और सॉल्वेंट को आपको याद होगा ए से रिप्रेजेंट करते हैं। चला सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मतलब इन प्योर फॉर्म यानी कि प्योर सॉल्वेंट अच्छा ठीक इज मोर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट ही तो इंटरैक्ट वेपर प्रेशर है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, लेकिन किसकी वजह से, सॉल्वेंट की वजह से। अब ये वाला वेपर प्रेशर जो है बेटा वो कम होगा, ये अच्छा यानी कि जो हमारा ये था ना पी सॉल्यूशन वो दरअसल है बराबर पी ए को, सॉल्वेंट का रिड्यूस्ड, क्योंकि सॉल्वेंट का मैक्सिमम ये है उसको हमने क्या लिखा स्टैंडर्ड जो पन सॉल्वेंट ही होता है, और जब बाकी आएगा मन रोजी पी ए, पी ए क्यों लिख रहा हूं शाबाश, ए इज फॉर सॉल्वेंट और सॉल्वेंट की वजह से ही तो वेपर प्रेशर है कि नहीं। तो यहां पर ये समझ आ रहा है बेटा हमें कि जो हमारा सॉल्यूशन है, जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें जो वेयर प्रेशर होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू द एक्चुअल वेयर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। क्लियर? अच्छा फिर देखिए, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। नॉन वोलेटाइल छो पानी एग्जांपल कोई भी ले सकते हो, NaCl ग्लूकोज खंड वंड ये तो याद ही हो। द सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन शाबाश प्योर सॉल्वेंट फुल स्टॉप। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ द इज ओनली ड्यू टू हां इज ओनली ड्यू टू किसकी वजह से सॉल्वेंट की वजह से है ना इज ओनली ड्यू टू सॉल्वेंट एज द सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल छा कि ना फुल स्टॉप फुल स्टॉप। एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स on the liquid surface as the number of molecules on the liquid surface which can go into the vapor state is reduced as the number of molecules on the liquid surface which can go into the is reduced due to the addition of the non volatile solute is reduced due to the addition of the non-volatile solute. Therefore, vapor pressure reduces. Clear? अच्छा तला तेरे बान में यानी कि vapor pressure को ना change का मतलब ये है ना बेटा change in pressure सुकार इस बराबर तेरे तला बान सच ना P A not minus P क्योंकि P A not ही ज़्यादा है. This is called as lowering of vapor pressure. अच्छा ठीक या क्लियर? अच्छा ये लो कितना हो गया
लोअरिंग ऑफ लिक्विड. क्लियर? अच्छा समझ गए. तो चलो बेटा दूसरी चीज पर वोलेटाइल की बात करते हैं. वोलेटाइल में क्या होगा जरा बता. आपने लिक्विड को लिक्विड ही ऐड किया. बढ़ना या घटने की बात नहीं है, बात यह है कि इस वक्त कंट्रीब्यूशन दोनों का होगा कि नहीं. ये चीज होने वाली है क्योंकि दोनों इस वक्त बेटा वोलेटाइल है, है ना. ए है बी है दोनों क्या है वोलेटाइल एच ना, यानी कि इसके भी वेपर्स बनेंगे और इसके भी वेपर्स बनेंगे. जो नेट वेपर प्रेशर होगा नेट टोटल सुखा बराबर वेपर प्रेशर टोटल सुखा बराबर वेपर प्रेशर ड्यू टू प्लस वेपर प्रेशर ड्यू टू वेपर प्रेशर ड्यू टू समझ हाँ समझ. जो वेपर प्रेशर ऑफ ए होगा पी ए नॉट स्लैश पी ए क्योंकि उसमें एक हिसाब से बी है, है ना. क्योंकि बी की जाने की क्षमता कम हो गई ना जब हमने ए को ए था और हमने बी जोड़ा. ठीक तो ए के जितने जा रहे थे अब उतने नहीं जा सकते, यानी कि ए की वजह से जो प्रेशर आएगा आप वो काम आएगा. शायद ना बताइए लिखित पी ए लिखना प्लस ये क्या है. जब बी अगर इकलौता होता तेरे उस पी बी नॉट उस ना, मगर आत्मज ना ये आम बी के जाने की क्षमता भी होगी ना कम स्टैंडर्ड मच तेरे क्या चु पी बी. क्लियर? अच्छा ये आशीष है टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर एंड दिस विल बी इन अकॉर्डेंस विद डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर्स. ये पार्शियल वेपर प्रेशर है एक आस्ती छुना क्योंकि मिक्सचर ऑफ गैसेस 11 था डाल्टन क्या उसमें अगर से मिक्सचर चाहिए आसान तेरे ऐसा चाहिए आसान. हाँ इंडिविजुअल का समेशन नेट वेपर प्रेशर देगा, है ना. वो गैसेस का प्रेशर होता इस वक्त भी तो गैसेस का ही प्रेशर है. व्हाट इज वेपर प्रेशर, प्रेशर होता गैस फॉर्म तेरे लाइक ना डाल्टन का. डाल्टन क्या बना एम सुन प्रेशर एम सुन नंबर ऑफ मोल्स आसने ज्यादा तेम सुन दी प्रेशर क्या आसी सोचो इस पागा सो हैगन वो विन केस बात करें ठीक है. अब बेटा लॉ आने वाला है दैट इज कॉल्ड एज द रोड्स लॉ. अच्छा ठीक क्लियर छ समझ गए. स्टॉप द वीडियो.